अगर आपने अभी तक गाइड हिंदी मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे आपको नई नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं गाइड हिंदी में यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपने फ़ोन पे से रिचार्ज कैसे करते हैं, वो भी अपने डेबिट कार्ड, जैसे आपके पास में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास में, तो उससे अपने मोबाइल का रिचार्ज कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा और लाइव डेमो में आपको करके दिखाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, रिचार्ज करने के लिए आपको फ़ोन पे को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड डाल रखा है अपने फ़ोन पे के, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल भी इसी से लॉक है और सेम पासवर्ड है। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पे ऊपर अपडेट आ रहा है तो इसको अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। यहाँ पर मैं फ़िलहाल अपडेट नहीं करूँगा। हमें यहाँ पर रिचार्ज करना है तो यहाँ पर आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन देख सकते हैं, रिचार्ज एंड पे बिल्स। यहाँ पे देखिए मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, पोस्ट पेड, LIC, डोनेट, जो भी यहाँ पे बहुत सारे रिचार्ज दे रखे हैं अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। मुझे यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करना है और आपको भी मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आना होगा। आने के बाद में आपको यहाँ पर वो नंबर सर्च करना है जिसका आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो चलिए मैं वो यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर नंबर डालने के बाद में आपका नंबर आ जाएगा और आपको यहाँ पे जो भी आपका सिम कार्ड है वो यहाँ से चुन लेना है। यहाँ पे मेरा सिम जो है वो एयरटेल का है और यहाँ पे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान का आपको यहाँ पे डाल देना है। गाइज, कई बार क्या होता है कि आपका सिम कार्ड पोर्ट करवाया हुआ होता है और वो उसी नेटवर्क से नहीं आ पाता है, तो आपको वो यहाँ पे नेटवर्क चुन लेना है। पहले आइडिया है, जियो है, जो भी है यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे व्यू प्लान में क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल में जो भी ऑफर होगा आपके नंबर पर वो यहाँ पे रिकमेंडेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 129 का रिचार्ज है, 199 का है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिचार्ज आपके सामने शो हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर 49 का रिचार्ज करना है जिसमें मुझे 38.52 रुपये मिलते हैं और साथ में 100 MB मिलती है और इसमें मुझे 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। तो चलिए मैं इस रिचार्ज को यहाँ से करता हूँ। और अभी देखिए नीचे मेरे पास में यहाँ पे बैंक आ रहे हैं, अगर आपके पास में बैंक यहाँ पे ऐड किए हुए हैं तो आप उनसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता कि बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड में जाना होगा। डेबिट कार्ड में जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड वो यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से 2 डेबिट कार्ड ऐड किए हुए हैं, अगर आपके पास में कोई अन्य डेबिट कार्ड है तो उसको यहाँ पे यूज अनदर डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या ATM कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए थोड़ा करते हैं वेट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे महीना और साल डालना पड़ता है जो कि आपका वैलिड मतलब कि एक्सपायरी होने वाला हो यहाँ पे डालना है। तो हमारा जो है ATM का वो यहाँ पे कब एक्सपायर होता है वो यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसके बाद में आपके जो डेबिट कार्ड है उसके पीछे देखना, एक वाइट पट्टी के अंदर CVV कोड यहाँ पर होते हैं, वो आपको यहाँ पर डालने पड़ते हैं। वो डालने के बाद में आपको रिचार्ज वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी आपने बैंक में नंबर दिए थे उस पर एक OTP आएगा और वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे आप वो OTP फिल करते हैं आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम वेट करते हैं और OTP का, और यहाँ पे हमारा OTP इसी फ़ोन के अंदर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे OTP आ चुका है और मैं इस OTP को यहाँ पे डालता हूँ। देखिए यहाँ पे एक OTP बॉक्स आ रहा है नीचे और इसमें मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे OTP डालने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पे बैंक से रुपए कट के
और आपका रिचार्ज हो जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिचार्ज है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और मेरे पास यहाँ पे दूसरे फ़ोन में मैसेज आ चुका है कि मेरा यहाँ पे रिचार्ज वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फ़ोन पे से डेबिट कार्ड के द्वारा रिचार्ज कर सकते हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के बारे में अच्छा बुरा जो भी, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और अपडेट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसके आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।